दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ अरबपतियों का देश कतर के बारे में। कतर दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ कुल आबादी का सिर्फ 14% ही कतर के बासिंदा हैं और बाकी 86% बाहर से आए हुए लोग हैं जो कतर में काम करने के लिए रहते हैं। कतर में काम करने वाले लोगों में दुनिया के 180 देश से आए हुए लोग हैं। अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो कतर सिंगापुर के बाद एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा करोड़पति पाया जाता है। कतर का टोटल पॉपुलेशन का 13% लोग करोड़पति हैं। कतर का आदमी प्रति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा है जो भारत के मुकाबले 25 से 30 गुना है। कतर में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता और दूसरे प्रकार टैक्स की मात्रा दुनिया में सबसे कम है। कतर दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जहां एक भी गरीब आदमी नहीं है और कतर में बेकार लोगों की संख्या 1% से भी कम है। बाहर से आए हुए लोगों के वजह से कतर में लड़कियों के मुकाबले लड़कों का संख्या बहुत ज़्यादा है। कतर में 80% लड़का और 20% लड़की पाई जाती है। 1971 से पहले कतर ब्रिटेन का एक कॉलोनी था। 1971 में कतर को ब्रिटिश से आज़ादी मिली। कतर ने कृत्रिम रूप से बहुत ही सुंदर एक आइलैंड बनाया है जो पर्ल ऑफ कतर के नाम से भी जाना जाता है और ये दुनिया में बहुत मशहूर है। कतर सिर्फ अरब देशों का ही नहीं दुनिया का पहला ऐसा मुल्क होगा जो इतना छोटा होने के बावजूद फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करेगा। 2022 साल का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर के दोहा शहर में ऑर्गेनाइज होगा। कतर में कोई भी लड़की घुटनों के ऊपर से ड्रेस नहीं पहन सकती, ये वहाँ के कल्चर के खिलाफ है। कतर में दो प्रकार का कानून चलता है, एक सिविल लॉ और दूसरा शरिया लॉ। शरिया लॉ लागू होने के वजह से वहाँ का लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। आप अगर कतर में धर्म की निंदा करते हैं तो आपको 7 साल तक सजा हो सकती है। कतर में मुसलमानों को दारू बेचना और मुसलमानों का दारू पीना दोनों मना है और ये वहाँ के कानून के हिसाब से गैर कानूनी है। क्योंकि कतर एक अरब मुल्क है तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि कतर का सारा पैसा तेल से आता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है क्योंकि तेल के अलावा कतर का पैसा समुद्र में फिशिंग और समुद्र से मुक्त निष्कासन के जरिए भी आता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कॉमेंट बॉक्स पर लिख कर बताइए कि क्यों अच्छा नहीं लगा।